फार्म लॉस को लेके इतना मारामारी हुआ, आप देखिए शाहीन बाग को लेके कितने दिन तक वो चलता रहा, फिर उसके बाद आपने NRC आप लाए, 2.5 साल हो गया उसको लागू नहीं करवाए, आप CAA लाए, 2.5 साल हो गया उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, आप अभी अग्निवीर रहे उसको लेके पूरा देश चल रही है। उसका मतलब क्या है, BJP जो है बाकी राज्य में जो मुख्यमंत्री आए जो लोगों का नस उस राज्य में जानते हैं उनके साथ वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया, और वही छवि आपको मिलती है, आपको एटीट्यूड मिलता है जब आप केजरीवाल जी को देखते हैं कि प्रधानमंत्री की सभा में इस तरीके से बैठे। मैं उसको समर्थन नहीं करता हूँ कि प्रधानमंत्री की सभा में वैसे बैठे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनकी बात तो सुनेंगे नहीं, प्रधानमंत्री जी अपनी मन की बात बोलेंगे, दूसरों पब्लिक के मन में क्या बात है वो सुनेंगे नहीं। अग्निवीर के बारे में ये जो हो रहा है 4 साल और उसके बाद अपने अपना जो है आत्मनिर्भर बन जाओ, ये आत्मनिर्भर शब्द जो है वही गलत है, जब हाथ पकड़ना चाहिए उस वक्त आप लोगों को बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बन जाओ। और नूपुर शर्मा ने बिल्कुल बहुत ही गलत मैसेज किया है, किसी भी धर्म के बारे में इस तरीके का मैसेज अगर होगा तो बिल्कुल लफड़े जो है पूरी दुनिया से, आज मिडिल ईस्ट में, वेस्ट में, हर जगह में इंडिया जो है उनकी छवि खराब हो गई है। BJP ऐसी राजनीति तो कर रही है उत्तर प्रदेश में, आप कोई कितना भी बड़ा गलत करे आप बुलडोजर लेके उसका घर जो है आप तबाह नहीं कर सकते। यहाँ पे देश में कोई अदालत है कि नहीं, लॉ है, लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं, ऐसे करेंगे तो फिर तो आप सबके घर जो भी जो चीज़ करता रहेगा, कोई अदालत नहीं रहेगी, सब घर तोड़ देंगे। और BJP के योगी आदित्यनाथ जी भी जो है वो तो खुलेआम मंच में बोलते हैं कि 80-20 का लड़ाई है, बंगाल में तो बोल के गए 70-30 की लड़ाई है, बिल्कुल जात के नाम पर भेदाभेद तो हो रही है, किसी जात का पक्ष में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन भेदाभेद तो कर रहे हैं। वो राजनीति जो है बहुत दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत लोगों को आप बहुत दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बिंदु अधिकारी भी वही भाषा बोल रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बुलडोजर चलेगा, अप्रैल 2024 उनका कहने से क्या होता है, ये तो मजाक बन गए हैं, मजाक बन गए, जहाँ बैठते हैं रोना धोना करते हैं, एकदम मजाक बन गए हैं। कल मैंने बोला कि उनको उनके घर पे 1 लाख छोटा छोटा आईना भेज दिया जाए कि भाई तुम जब घर से निकलोगे कम से कम अपने आप को देख लो। सुदीप्तो सेन जो है, मैं यहाँ पे आसनसोल में इतने दिन काम करके गया, कोई एक आदमी बोल सकेगा कि बाबू सुप्रियो के किसी का कोई दुर्नीति है, कुछ है, किसी भी तरीके का करप्शन है? ये तो सब तृणमूल कांग्रेस के हैं, इनके साथ ही तो मैंने इतने साल लड़ाई किया, अब इनके दोस्त हूँ मैं, क्योंकि दिल्ली के साथ मुझे काम करना है। कोई बोलेगा आप बताइए, मैं 8 साल यहाँ पे रहा हूँ, मंत्री और बन के रहा हूँ, और ये शुभेंदु अधिकारी वहाँ पे नंदीग्राम में क्या किया है उसका भी आप मालूम है, उनका बहुत सारी चीज़ें लफड़े तो है ही। और कल सुदीप्तो सेन ने परसों सीधा कैमरे के सामने बोल दिया कि शुभेंदु ने पैसा लिया, और उसके बाद ये भी बोला कि उनको ब्लैकमेल भी किया, उसके बाद भी CBI सबको बुला रही है, उसके बाद वो मुंह खोल के आ रहे हैं, बोल के आ रहे हैं, उनके भाई पिता सब अपना अपना पार्टी चेंज कर चुके हैं, लेकिन MP पद नहीं छोड़ रहे, हमने छोड़ के रखा है ना, जाने दीजिए, वो क्या बोलेंगे, उनके ऊपर कब बुलडोजर चलेगा ये देख लीजिए।